मुझे आज भी याद है वो दिन जब हम टिफिन शेयर किया करते थे और एक दूसरे के टिफिन एक्सचेंज भी किया करते थे। कितने अच्छे दिन थे वो। आज 10 साल बीत गए तुम्हारे कोलकाता छोड़े हुए। पहले तो हम लोग फोन पे बात कर लिया करते थे, पर तुमने अपना नंबर चेंज कर लिया और मैंने भी। सोशल मीडिया पे तो तुमको मैंने बहुत खोजने की कोशिश की, पर तुम ना मिले। बहुत याद आती है तुम्हारी। आज भी जब टिफिन अकेले खाता हूँ तो बड़ी याद आती है तुम्हारी। कब वापस आओगे तुम मुझे नहीं पता। मेरे पास सिर्फ तुम्हारी तस्वीर है और उसके सिवाय मेरे पास और कुछ नहीं है। दोस्त तो बहुत है मेरे, लेकिन वो जो वर्ड होता है ना, क्या कहते हैं उसे, हाँ बेस्ट फ्रेंड, वो नहीं मिला आज तक, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड तो एक ही होता है। आज 10 साल बाद तुम वापस कोलकाता आ रहे हो और मैं तुमसे मिलने को कितना उत्सुक हुआ जा रहा हूँ। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारा दोस्त। 2 घंटे बीत चुके हैं, मैं तुम्हारे उस बेल का वेट कर रहा हूँ, अभी तक नहीं बजी वो। ऐसे ही देखते पूरा दिन निकल गया, लेकिन तुम्हारा कोई अता पता नहीं चला। मैं बहुत डरा हुआ था कि तभी मेरा फोन बजा और वो तुम्हारी मम्मी का फोन था। पहुंचने वाले होगे तो मैंने जल्दी से फोन उठा के कहा, हेलो आंटी, रोहन किधर है? फोन पे तुम्हारी माँ फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी कि तुम्हारा प्लेन क्रैश हो गया और उसमें तुम्हारी मौत हो गई। मैं टूट गया था। मैं ये बात हजम नहीं कर पा रहा था कि मेरे वो 10 साल का इंतजार अब कभी खत्म नहीं होने वाला इंतजार बन चुका था। आखिर में मुझे बस एक ही चीज याद थी, जो थी तुम्हारी तस्वीर। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 1 बिलियन बार शुक्रिया।